नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो साथे सूत्रों राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह व सतनाम सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रस्तावित मास्टर प्लान में 1,843 एकड़ में लगेंगे उद्योग, आवासीय, व्यावसायिक व अन्य सुविधाओं का भी है प्रावधान। इंडस्ट्रियल टाउनशिप को रोड के साथ रेल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने पर होगा खास ध्यान। हत्या व लूट के चार शातिर अभियुक्तों हरीश, राजन तिवारी, सुभाष प्रजापति व जयंती देवी के ऊपर गगहा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड। 15 आवेदन पत्र हुए हैं प्राप्त। ऑनलाइन कार्ड भी बनकर हो चुका है साइट पर अपलोड। कार्ड बनने से शासन की योजनाओं का ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा लाभ। निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी 3 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष 2.5 लाख, मेयर के प्रत्याशी अधिकतम राशि 40 लाख तक ही कर सकेंगे खर्च। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। खिचड़ी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 खिचड़ी मेला स्पेशल बस को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कहा यह बस गुरुवार से 20 फरवरी तक श्रद्धालुओं को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचाएगी मंदिर और ले जाएगी मंदिर से उनके गंतव्य तक। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले व भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए सपा कार्यकर्ता है कृत संकल्पित। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों में वायरलेस सेट का किया वितरण। कहा वायरलेस सेट के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को आपसी संवाद बनाने में होगी आसानी। मेला को सकुशल करवाया जाएगा संपन्न। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जाएगा गरिमा गृह, दिया जाएगा व्यवसायिक प्रशिक्षण। ट्रांसजेंडर भी बनेंगे आत्मनिर्भर। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी। छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। संग्रहालय के उप निदेशक ने दी सरदार पटेल के जीवन की सभी जानकारियां। ठंड की दस्तक के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को रात गुजारने के लिए नगर निगम के सभी 13 रैन बसेरा की व्यवस्था हुई दुरुस्त। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा रैन बसेरों में ठहरने वालों से नहीं लिया जाता है कोई चार्ज। और 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। बनारस मंडल बना ओवरऑल चैंपियन। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के शाहरुख खान बने ओवरऑल व्यक्तिगत चैंपियन। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी के प्रति व्यक्त किया आभार। अब खबरें विस्तार से। गुलेरिया थाने की पुलिस ने 2 सूत्रों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि गुलेरिया थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया है, जिनकी पहचान राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह उर्फ राजू उर्फ सालू पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी दविंदर नगर तरन तारण रोड थाना सुल्तानविंद जिला अमृतसर पंजाब राज्य हाल मुकाम ग्राम
पहाड़ा बेहर थाना कोतवाली सदर जिला लखीमपुर खीरी, दूसरा सतनाम सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह उर्फ छिद्दू पुत्र फुलवंत सिंह निवासी दविंदर नगर तरन तारण रोड थाना सुल्तानविंद जिला अमृतसर पंजाब, हाल पता टिप्पनपुरवा थाना कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन भाड़े पर हत्या जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्य का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 15/12/2022 को थाना गुलेरिया में विगत वर्ष हुए ब्रजेश सिंह ग्राम प्रधान हत्याकांड के दो शूटरों सतनाम सिंह और राजवीर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभी पंजीकृत किया गया। इनकी अवैध संपत्तियों की भी छानबीन की जाएगी तथा इस तरह से कोई अगर अवैध अर्जित संपत्ति प्राप्त होती है तो उसे जब्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक आने वाले समय में गोरखपुर को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा ने धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के मास्टर प्लान पर प्रक्रियात्मक कार्य तीव्र कर दिया है। इसके लिए गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ पहले बैठक की और फिर क्षेत्र का निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण पहलुओं को मास्टर प्लान में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत इंडस्ट्रियल टाउनशिप की रोड व रेल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप में करीब 1843 एकड़ में उद्योग लगेंगे और इनके जरिए 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ होगा। 18 ग्रामों की 5,754 एकड़ भूमि में बसने वाले नवीन धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का ड्राफ्ट मास्टर प्लान मेसर्स रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 32.04% क्षेत्र औद्योगिक, 19.39% आवासीय, 6.51% PSP, 4.21% व्यवसायिक, 15.70% हरित खुला क्षेत्र, 2.32% मिश्रित, 4.17% ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष हो चुका है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान के संबंध में संबंधित विभागों से सुझाव लेने एवं विचार विमर्श के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने मंगलवार को अपने कार्यालय में बैठक की। इसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, विद्युत ट्रांसमिशन, अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण, पूर्वोत्तर रेलवे, जल निगम आदि के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाने के लिए निकटतम रेलवे कनेक्टिविटी, बड़े उद्योगों के लिए पृथक से रेलवे साइडिंग दिए जाने, 45 मीटर से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों के लिए सर्विस रोड का भी प्रावधान करने, उद्योगों व अन्य भूप्रयोगों में आने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना किए जाने हेतु सुझाव आए। इसी क्रम में गुरुवार को गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन एवं आबादी के विस्तार के दृष्टिगत सुविधाओं को मास्टर प्लान में समावेशित करने का निर्देश दिया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल का कहना है कि सुझावों व नए प्रस्तावों को शामिल कर मास्टर प्लान पर जन सामान्य की आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जाएगा। इसी अनुरूप संशोधन कर प्लान को अंतिम रूप देकर इंडस्ट्रियल टाउनशिप को अमली जामा पहनाया जाएगा। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल कहते हैं कि मूर्त रूप में आने के बाद यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप धुरियापार समेत समूचे गोरखपुर दक्षिणांचल के लिए गेम चेंजर साबित होगी। धुरियापार की पहचान अति पिछड़े क्षेत्र के रूप में रही, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी ख्याति गोरखपुर के नए औद्योगिक क्षेत्र के गेटवे के रूप में होगी। बीते 5 सालों में देश दुनिया के कई निवेशकों का रुझान गोरखपुर की तरफ देखते हुए सरकार धुरियापार क्षेत्र को ग्रेटर गीडा बनाने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ ही यहाँ रोजगार की बहार भी बहेगी।
गघा थाने की पुलिस ने हत्या व लूट के चार शातिर अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गघा थाने की पुलिस ने चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान हरीश पुत्र इंद्रपाल निवासी हाशिमपुरा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर, हाल पता ग्राम भलुआन थाना गघा जनपद गोरखपुर, दूसरा माफिया राजन तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामाशीष तिवारी निवासी ग्राम टाडा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, तीसरा सुभाष प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गघा जनपद गोरखपुर, चौथा जयंती देवी पत्नी सुभाष प्रजापति निवासी जगदीशपुर भलुआन थाना गघा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग का गैंग लीडर हरीश अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन हत्या व लूट जैसे अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र गघा जनपद गोरखपुर के गांव जगदीशपुर भलुआन में एक चर्चित हत्याकांड था, काजल हत्याकांड, जिसमें काजल नाम की एक नाबालिग बच्ची की, जो उसके पिता के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उनका वीडियो बना रही थी, इस प्रतिशोध में हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड के अभियुक्त साथीर अपराधी हैं। एक अभियुक्त मुठभेड़ में मारा जा चुका है, शेष चार अभियुक्त गिरफ्तार होकर के जेल गए। आज गघा पुलिस ने इन शेष अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें से दो अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है, इनके खिलाफ लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। साक्ष्य के क्रम में इनका माननीय न्यायालय से रिमांड बनवाया जाएगा और इन अपराधियों की अपराध से अर्जित संपत्ति की 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि ट्रांसजेंडर का शासन के निर्देश पर वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके लिए 15 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच भी की जा चुकी है और पाया गया कि सभी आवेदन सही हैं। जिलाधिकारी की तरफ से यह कार्ड ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है, जिससे वह लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस कार्ड के बन जाने से इन 15 लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, जिससे उपचार में खर्च से राहत मिलेगी। इसके अलावा जिलाधिकारी के द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि पुलिस विभाग में सुरक्षा सेल, जिला हॉस्पिटल में अलग से वार्ड उपलब्ध करवाने की बात की जा रही है, नगर निगम के द्वारा अलग से शौचालय उपलब्ध करवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, देखिए टोटल अभी तक यहाँ कार्यालय के पोर्टल पे 15 आवेदन प्राप्त हुए थे और 15 का परीक्षण करने के बाद पाया गया कि ये सभी सही हैं। जिलाधिकारी महोदय की ओर से ये कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं उस पर ऑनलाइन, जिसे कि वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सर क्या लाभ है कार्ड? आयुष्मान कार्ड इसका सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि इनको तमाम प्रकार के अपने उपचार में जो खर्च आते हैं उससे, उसका वहन जो करना पड़ता है इनको व्यक्तिगत स्तर पे, उससे ये लोग बच जाएंगे। और तमाम विभागों को भी जिलाधिकारी महोदय की ओर से निर्देशित किया गया है, जैसे पुलिस विभाग में इनके लिए सुरक्षा सेल स्थापित करने की बात की जा रही है, इसके बाद जिला चिकित्सालय में अलग से वार्ड एक उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, प्रयागराज में इस तरह की एक पहल की जा चुकी है, नगर निगम में भी इसको भी निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय की ओर से इस आशय के साथ कि अलग से इनके लिए शौचालयों की व्यवस्था की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी, नगर पंचायत अध्यक्ष, मेयर निर्धारित रकम ही खर्च कर सकेंगे, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी चुनाव में
50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी 2.5 लाख रुपए, नगर निगम चुनाव के पार्षद पद के प्रत्याशी 3 लाख रुपए, महापौर पद के प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और डिप्टी डीओ नगर निकाय चुनावों के लिए हूं। आपको अवगत कराना है कि जो मेंबर हमारे होंगे नगर पंचायत के, जिनको सभासद कहेंगे, उनके खर्च की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रत्याशी होंगे उनकी अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये, इसी तरह से नगर निगम में जो पार्षदगण हैं उनके पार्षद प्रत्याशी के लिए अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए और मेयर पद के लिए अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है माननीय आयोग के द्वारा। धन्यवाद। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह के द्वारा मंदिर से 2 खिचड़ी मेला स्पेशल बस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति खिचड़ी मेले का है। गोरखनाथ मंदिर में दूर दराज देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जो कि लगभग 20 फरवरी तक चलता रहता है, जिनके सुविधा के लिए नौतनवा, नेपाल, नकहा, सूरजकुंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर कोई दिक्कत ना हो, जिनके लिए खिचड़ी मेला स्पेशल बस को शुरू किया गया है। यह बसें नकहा, सूरजकुंड, नौसर से श्रद्धालुओं को गोरखनाथ मंदिर तक लाएगी और ले जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी, परिवहन निगम के ARM PK तिवारी, मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ, योगी सोमनाथ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा। गुरु गोरक्षनाथाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्री संसार सारं भजमुन्द्रहारं सदा वसन्तं नित्यानन्दं भवं भवानी सहितं। कहाँ गए वो? आइए पुस्तक लिए आइए।
मेले के लिए पर्यटन बस का शुभारंभ। जैसा कि आपके संज्ञान में है, जो गोरखपुर का सर्व प्रमुख पर्व है, सबसे प्रमुख पर्व जो है वो मकर संक्रांति खिचड़ी मेले का पर्व है, और शहरों में अन्य जगहों पर धार्मिक स्थलों पर जो खिचड़ी का मेला कुछ दिनों मनाया जाता है, लेकिन गोरखपुर शहर में ये 1 दिसंबर से लेकर लगभग 20 फरवरी तक ये लगातार खिचड़ी का मेला चलता रहता है, जिसमें पूरे प्रदेश से ही नहीं वरन पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन और देश के बाहर से भी नेपाल भूटान आदि जगहों से लोग श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और उनकी सुविधा के लिए जो नौतनवा से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, या फिर जो लोग अन्य जगहों से आ रहे हैं, तो नकहा पर जो सूरजकुंड पर उनको रेलवे स्टेशन पर बस स्टेशन पर कोई दिक्कत ना हो, उसके उद्देश्य से आज इन 2 बसों को स्पेशली हम लोग खिचड़ी मेला स्पेशल के नाम से इसको हम लोग चलवा रहे हैं, और ये जो हमारी बसें हैं ये ख़ास तौर से नकहा से और सूरजकुंड से जो श्रद्धालु भक्तजनों को यहाँ तक मंदिर तक उनके गंतव्य स्थान तक लेकर आएंगे, और फिर उसको लेकर जो है उनको वहाँ पर जहाँ पे उनको छोड़ना होगा उनको वहाँ पर छोड़ेंगे। सर कितने टाइम तक चलेगा ये? अभी तो ये पूरी बसों को जब तक खिचड़ी का मेला चलता रहेगा हम लोग लगातार चलाते रहेंगे इसको, और ये भी देखने में आ रहा है कि जो खिचड़ी के मेले के बाद भी आज भी आप देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर हैं। हम 25 इलेक्ट्रिक बस भी यहाँ पर चलवा रहे हैं, और 25 इलेक्ट्रिक बस और शासन से अस्थायी तौर पर यहाँ पर आने वाले हैं। उद्देश्य यह है कि जो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन पूरे देश से विदेश से यहाँ पर आते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। समाजवादी पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल गुप्ता के नेतृत्व में देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले व भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक माने जाने वाले देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर गोलघर काली मंदिर स्थित उनकी प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया गया, जिसके संबंध में पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल गुप्ता ने बताया कि आज उनकी 72वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। सरदार पटेल को भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में सरदार पटेल जी का अभूतपूर्व योगदान था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया था। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। इस अवसर पर जावेद अहमद, राहुल गुप्ता, मोहम्मद हसन, अनिल यादव, आफताब अहमद, नरेंद्र चौधरी, अंबुज मदनवाल, सुनील रावत, तौकीर, समीर, दानिश, राजू अहमद, ब्रिजेश लाल, शाहरुख खान, अजय यादव, शाहरुख, रमन सिंह, चेतन राज, निवास यादव, इरफान उल्लाह खान, विनोद यादव, विजय यादव, विनोद विश्वकर्मा, कोलू यादव, मनोज भारती, खलिक अली, सोनू, अनुप यादव सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व मेयर प्रत्याशी राहुल गुप्ता ने कहा, राहुल गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी मेयर गोरखपुर समाजवादी पार्टी। आज जो हम लोग यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के सामने मौजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से आज महानगर की पूरी टीम आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो देश के संविधान और देश की लड़ाई में बहुत अग्रिम भूमिका निभाई थी, और यही एक शख्स हैं जो RSS को बंद करने का काम किया था, लेकिन आज इस वजह से
आरएसएस सुचारू रूप से चालू है और इनके न रहने पे ये आज बहुत ताकत में आगे बढ़े। अगर ये रहे होते तो आरएसएस बंद रही होती और देश का बहुत अधिक तरक्की करती, देश हम लोग का बहुत आगे जाता। क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत ही अच्छे लौह पुरुष और महापुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जितनी भी अच्छाई बताया जाए वो कम है और देश के तरक्की के लिए इन्होंने जनता के बीच जाकर बहुत अच्छा समाज में मैसेज दिया था। और इसकी इनकी जयंती पर मैं फिर से इनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दो साथी सूत्रों राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह व सतनाम सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रस्तावित मास्टर प्लान में 1,843 एकड़ में लगेंगे उद्योग, आवासीय, व्यावसायिक व अन्य सुविधाओं का भी है प्रावधान। इंडस्ट्रियल टाउनशिप को रोड के साथ रेल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने पर होगा खास ध्यान। हत्या व लूट के चार शातिर अभियुक्तों हरीश, राजन तिवारी, सुभाष प्रजापति व जयंती देवी के ऊपर गगहा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड। 15 आवेदन पत्र हुए हैं प्राप्त। ऑनलाइन कार्ड भी बनकर हो चुका है साइट पर अपलोड। कार्ड बनने से शासन की योजनाओं का ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा लाभ। निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी 3 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष 2.5 लाख, मेयर के प्रत्याशी अधिकतम राशि 40 लाख तक ही कर सकेंगे खर्च। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। खिचड़ी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 खिचड़ी मेला स्पेशल बस को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कहा यह बस गुरुवार से 20 फरवरी तक श्रद्धालुओं को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचाएगी मंदिर और ले जाएगी मंदिर से उनके गंतव्य तक। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले व भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए सपा कार्यकर्ता है कृत संकल्पित। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों में वायरलेस सेट का किया वितरण। कहा वायरलेस सेट के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को आपसी संवाद बनाने में होगी आसानी। मेला को सकुशल करवाया जाएगा संपन्न। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जाएगा गरिमा गृह, दिया जाएगा व्यावसायिक प्रशिक्षण। ट्रांसजेंडर भी बनेंगे आत्मनिर्भर। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी। छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। संग्रहालय के उप निदेशक ने दी सरदार पटेल के जीवन की सभी जानकारियां। ठंड की दस्तक के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को रात गुजारने के लिए नगर निगम के सभी 13 रैन बसेरा की व्यवस्था हुई दुरुस्त। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा रैन बसेरों में ठहरने वालों से नहीं लिया जाता है कोई चार्ज। और 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। बनारस मंडल बना ओवरऑल चैंपियन। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के शाहरुख खान बने ओवरऑल व्यक्तिगत चैंपियन। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी के प्रति व्यक्त किया आभार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को वायरलेस सेट का वितरण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार खिचड़ी का मेला है। अन्य जगहों पर खिचड़ी का मेला कुछ दिन ही चलता है, लेकिन गोरखपुर शहर में 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है और 20 फरवरी तक चलता है, जिसमें रविवार और मंगलवार को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर देश विदेश तथा देश के अन्य राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर खिचड़ी चढ़ाते हैं। सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नगर निगम प्रशासन अधिकारियों व कर्मचारियों का ड्यूटी लगता है। अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच आपस में बातचीत समय पर हो सके, जिसके लिए वायरलेस सेट का वितरण किया गया है, जिसका शुभारंभ हुआ है। इस वायरलेस सेट के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी, परिवहन निगम के RM PK तिवारी, योगी सोमनाथ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, प्रशासन इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि मेला है हमारा पिछली वर्षों की तुलना में और ज्यादा जो हर समय से जुड़े रहेंगे। धीरे धीरे हम सारे अधिकारियों को सारे कर्मचारियों को इससे जोड़ लेंगे। ये हम लोगों ने इंदौर गए थे, वहाँ पे जाके सीख किया है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर भी लागू किया है। आप पीछे कुछ करिए, तो बगल में हेलो कुछ भी बोलो। हेलो जी सर, कहाँ पे हैं आप? मेयर आयुक्त साहब आपका स्वागत है। आयुक्त साहब आपका स्वागत है। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत बहुत धन्यवाद। डब्बा नहीं, डब्बा जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, जो गोरखपुर का सबसे जो सर्व प्रमुख त्यौहार है, पर्व है, वो खिचड़ी का मेला है। और जगहों पे खिचड़ी का मेला कुछ दिनों चलता है, लेकिन गोरखपुर शहर में जो खिचड़ी का मेला है वो 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाता है और लगभग 20 फरवरी तक लगातार चलता है, जिसमें से मंगलवार को और रविवार को यहाँ पर पैर रखने तिल रखने तक की जगह नहीं होती है। और बहुत ही बड़ी संख्या से पूरे पूर्वांचल से, पूरे प्रदेश से और यहाँ तक कि जो पूरे देश से, साउथ से खास तौर से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाता है और इनके बीच में एक आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे और मंदिर प्रशासन के बीच में कोई भी दिशा निर्देश हो वो हमारे सर अधिकारियों के पास तुरंत पहुँच जाए। इसके लिए अभी हम लोगों ने एक मोटरोला कंपनी का वायरलेस सेट अपने सभी अधिकारियों को और हमारे जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको उपलब्ध कराया है और आज उसी की हम लोग ने यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे थे और निश्चित रूप से ये टेस्टिंग सफल रही है। और इस वायरलेस सेट आ जाने के बाद से जो नगर निगम प्रशासन का जो प्रबंध तंत्र है, उसकी जो प्रबंध की व्यवस्थाएं हैं, और भी चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी और हमारे बीच में कहीं भी मंदिर प्रशासन से भी किसी प्रकार की कोई संवादहीनता की स्थिति नहीं रहेगी और हम सभी लोग मिलकर इस जो खिचड़ी मेले को और भी पहले के वर्षों की तुलना में और भी अधिक भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में इसको मनाएंगे।
जिला प्रशासन के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए गरिमा गृह बनाया जाएगा, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरिमा गृह की स्थापना के लिए शासन से आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए एक प्रस्ताव जिलाधिकारी की तरफ से भेजा गया है, जो कि 25 व्यक्तियों की क्षमता का गरिमा गृह होगा, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग रहेंगे। वहां का प्रबंधन भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही देखेंगे। इसके अलावा व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे कि यह लोग आत्मनिर्भर बन सके और आजीविका कमाने के योग्य बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देके इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरिमा गृह की स्थापना के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिले से एक आवेदन सभी शर्तों को जो कि पूरी कर रहा था, उसको जिलाधिकारी महोदय की ओर से शासन को भेजा गया है। तो ये 25 व्यक्तियों की क्षमता का गरिमा गृह होगा, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग रहेंगे। वहाँ का प्रबंधन भी पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही देखेंगे और यहाँ पे इन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये लोग अपनी आजीविका कमाने के योग्य बन सकें। तमाम ब्यूटिशियन का है या जिस तरह की डिमांड होगी उस हिसाब से प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जाएगी। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषयक पर छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में सरदार पटेल के बाल्यकाल से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक की घटनाओं एवं उनके योगदान को चित्रों के माध्यम से दिखाने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से संग्रहालय का प्रयास है कि युवा पीढ़ी सरदार पटेल के जीवन व दर्शन को समझे और अपने जीवन में आत्मसात कर देश की उन्नति में अपना योगदान दे, जिसका दिग्विजय नाथ एलजी प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्र छात्राओं तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की छात्राओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके संबंध में बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया कि जन सामान्य को पटेल के जीवन संघर्षों तथा प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से ऐतिहासिक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध है। सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता की जो मिसाल पेश किया, उससे हमें सीख लेना चाहिए और देश को एक सूत्र में पिरोए रखना हमारा कर्तव्य एवं नैतिक जिम्मेदारी है। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, और इतना ही नहीं, इनके अद्वितीय योगदान के लिए इन्हें भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। वे इस देश के बहुमूल्य धरोहर थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रतन थे। सरदार पटेल ने स्थानीय आंदोलन हो या राष्ट्रीय आंदोलन, सभी में दृढ़ संकल्पता के साथ कार्य किया। इन्होंने देश की आजादी के विभिन्न आंदोलनों में प्रमुख एवं अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए समूचा देश उनका कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल 7 अक्टूबर 1950 को जब अंतिम बार हैदराबाद गए, तो वहां उन्हें हैदराबाद सिकंदराबाद के म्युनिसिपैलिटी तथा हिंदी प्रचार सभा द्वारा मानपत्र दिया गया। उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए सरदार पटेल ने कहा था, मुझे मानपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इसका कोई समय आया है। जब आदमी दुनिया छोड़कर चला जाता है, असल मानपत्र तो उसके बाद मिलता है, क्योंकि कोई आदमी आखिरी दिन तक कोई गलती ना करे तब उसकी इज्जत रहती है, लेकिन यदि आखिरी उम्र में दिमाग पलट जाए तो सारी मेहनत और त्याग खत्म हो जाता है। सरदार पटेल अपने उक्त विचार के 2 माह पश्चात 12 दिसंबर को बंबई गए और 15 दिसंबर को 1950 को प्रातः 9:37 पर दिव्य शक्ति की चेतना देने वाला यह सूरज अस्त हो गया। समूचा राष्ट्र लौह पुरुष का हर दौर में हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने कहा, Thank you.
उप निदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। देखिए आज 15 दिसंबर है और 15 दिसंबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निर्वाण दिवस होता है। उस अवसर पे हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और उनके जीवन और व्यक्तित्व कृतित्व पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उस प्रदर्शनी में हमने विशेषकर प्रयास किया है कि स्कूली छात्र छात्राओं को हम आमंत्रित करें और उनको उनके जीवन के बारे में बताएं और दिखाएं। यह प्रदर्शनी का उद्देश्य आज मेरा ये है। देखें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म से लेकर के और देशी रियासतों के एकीकरण और देश के राजनीतिक परिदृश्य और उनके निर्माण तक की हम घटनाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। जनपद में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बाहर से आने वाले लोगों को रात गुजारने के लिए एक छत की तलाश रहती है। ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए नगर निगम की ओर से जनपद में कुल 13 रैन बसेरा बनवाया गया है। छात्र संघ चौराहा और रेलवे स्टेशन रैन बसेरा पर लोग अधिक संख्या में रात गुजारते हैं। जिनके पास शहर में कहीं भी ठहरने की व्यवस्था नहीं रहती है, ठंड बढ़ने के साथ ही रैन बसेरा में रात गुजारने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा है। आपको बता दें कि एक से सुबह और शाम में अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है, जिसके संबंध में रैन बसेरा के संचालकों ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए रैन बसेरा की व्यवस्था दुरुस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में किसी को किसी प्रकार के सोने में और रहने में परेशानी ना हो इसके लिए चौकी, कंबल, तकिया, मच्छरदानी और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है तथा शौचालय और स्नानागार की प्रतिदिन सफाई कराई जाती है। इन रैन बसेरों में ठहरने वालों से किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आंध्र प्रदेश से आए हुए यात्री सीए हरि प्रसाद व रैन बसेरा के संचालकों तथा नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा। मेरा नाम सी एच हरि प्रसाद। कहाँ से आया हूँ? मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। मैंने कब से रुके हैं सर? मैं इधर से 2 दिन से रुके हुए। मैंने किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं है। अच्छा, बढ़िया, हमेशा क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, बहुत बढ़िया लगता है इसमें रहने से। तो बाहर लॉज से, होटल से इधर बहुत बढ़िया लग रहा है। हमेशा आता है क्या? इस बार पहले बार आए हूँ। मैं हमेशा आता हूँ लेकिन इस पहले बार रुका हूँ इसमें। यहाँ व्यवस्था के बारे में? जी, व्यवस्था के बारे में। हाँ, व्यवस्था के बारे में व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था चल रहा है। बाथरूम और टॉयलेट, लेटरन सब हमेशा साफ करता है, 2 बार साफ करता है। और ये है फ्लोर भी 2-3 बार उसको सफाई करवाता है। यहाँ पे घूमने आए हैं कि गोरखपुर क्या है? मैं घूमने आया हूँ सर। कैसा लगा आपको गोरखपुर? क्या शहर के बारे में क्या कहेंगे आप? गोरखपुर तो ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। गोरखपुर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में क्या? मुख्यमंत्री अच्छा पालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है। जो आदित्यनाथ योगी है, अशोक कुमार सिंह केयर टेकर। ठंड का मौसम आ रहा है और हाँ, क्या स्थिति है रैन बसेरा? ठीक है, अभी पुरानी व्यवस्था के तहत ही रैन बसेरा चल रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से कोई नई पहल नहीं की गई है। आते हैं लोग, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ही कह के चले जाते हैं। निरीक्षण करने? हाँ, निरीक्षण करने आए थे कर्नल सीपी सिंह। हाँ, वही आए थे परसों। क्या कहे थे? कहना चदर जो सही करवा लो। हम कहने साहब पुरानी व्यवस्था में है, अभी नई व्यवस्था आप लोग करेंगे तो फिर नए ढंग से किया जाएगा। तो क्या कहे वो आगे? नोट उट किए, नोट उट करके ले गए। अभी परसों शाम को आए थे। लोग आते हैं? हाँ, जरूर 2-4-5 आदमी तो आते ही हैं कम से कम। कैसी व्यवस्था होती है? रजाई गद्दा सब बात ठीक है, रहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र झा है। मैं गोरखपुर रैन बसेरा रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने है।
क्या स्थिति है रैन बसेरे की? ठीक है, साफ सुथरा बेड बिस्तर स्नान घर टॉयलेट सब साफ सुथरा है। कोई अधिकारी आए थे यहाँ पे? हाँ, SDM मैडम आई हुई थे। क्या कहते हैं? मैंने वो पानी के लिए बोले थे, पानी का व्यवस्था है कर दिया गया है, बाकी टॉयलेट में एक नल नहीं है वो भी आ गया है, वो लग जाएगा। पब्लिक आती है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। कितने लोग आ जाते हैं, कितने सीट का आपका ये रूम? 10 वेट का रेन बसेरा है। और जो 10 पुरुष है ना? हाँ 10 पुरुष, 10 पुरुष 10 महिला। देखिए हम लोग लगातार, हमारे पास डूडा और नगर निगम दोनों के जो रैन बसेरे हैं, शेल्टर होम हैं, उन पे हम लोग लगातार इधर आकस्मिक निरीक्षण करवा रहे हैं। हमने अपने कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में जो हमारी टास्क फोर्स की टीम है, इसके अलावा हमारे जितने जोनल ऑफिसर्स हैं, जो हमारी डूडा की टीम है, उन सबको लगाकर हम लोग ये व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे शेल्टर होम हैं, रैन बसेरे हैं, वहाँ पर सभी प्रकार की इस वक्त की आवश्यक सुविधाएँ मुकम्मल तौर पर मौजूद रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सभी को इस बात के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि कोशिश करें कि सभी लोग कोई भी खुले में ना सोने पाए, सभी लोग जो है इन रेंज जो हमारे शेल्टर होम बने वहाँ पर जाएं और वहाँ पर उनको सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, निःशुल्क मौजूद हैं, वो उसका उपभोग करें। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई बाहर में खुले सो रहा है तो उसको बार बार समझाएं, ज़रूरत पड़ने पे उसको कड़ाई करें, लेकिन उसको छत के नीचे ले जाएं। अगर उसके पास ओढ़ने की या ठंड से बचने की कोई चीज़ नहीं है तो उसको जो हम लोग ने कंबल दिया है या उसको कंबल उपलब्ध कराएं। और आने वाले जो मौसम में को देखते हुए जैसे जैसे शीत ऋतु बढ़ती जाएगी, हम लोगों ने कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन और जो अलाव जलाने की वो जगहें हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 5वें दिन पुरस्कार और समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। मुख्य अतिथि को संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्रनाथ सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। प्रतियोगिता में बनारस मंडल ने बालक वर्ग में 128 अंक और बालिका वर्ग में 98 अंक पाकर के ओवरऑल चैंपियन बना। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के शाहरुख खान को ओवरऑल चैंपियन का व्यक्तिगत पुरस्कार मिला। इस पूरे प्रतियोगिता में बहुत से रिकॉर्ड बने और टूटे, जिसमें हैमर थ्रो में 19 वर्ष बालक वर्ग में नदीम ने कीर्तिमान बनाया, तो वहीं पोल वॉल्ट 19 वर्ष में बालक पवन कुमार ने 3000 मीटर, 19 वर्ष बालक वर्ग में दुष्यंत कुमार ने कीर्तिमान स्थापित किया, तो वहीं गोला फेंक 19 वर्ष बालिका में नेहा राघव ने, तो वहीं 3000 मीटर 17 वर्ष में कीर्तिमान स्थापित किया, तो वहीं 3000 और 1500 मीटर दौड़ में शाहरुख के कीर्तिमान रहा। 17 वर्ष बालक में आशुतोष दुबे ने कीर्तिमान बनाया। 100 मीटर 14 वर्ष बालक वर्ग में विनित ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। हैमर थ्रो 17 वर्ष बालिका में नंदिनी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। 5 किलोमीटर बालक वर्ग में पैदल चाल में लखनऊ के शिवा सिंह प्रथम स्थान पर रहे। ऋषिकेश दूसरे स्थान पर रहे, तो 19 वर्षीय बालक भाला छेपड़ में मिर्जापुर के राहुल यादव प्रथम स्थान प्राप्त किए। मुरादाबाद के कुलदीप दूसरे स्थान पर, तो वहीं लखनऊ के गौरव तीसरे स्थान पर रहे। डिस्कस थ्रो वर्ग 19 बालिका वर्ग में मुरादाबाद के सुमन बागा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाराणसी की अंतिमा मिश्रा ने दूसरा स्थान पर रही। गोरखपुर की हर्षिता तीसरे स्थान पर रही। 19 वर्षीय बालिका 800 मीटर दौड़ में बरेली की विनीता कुमारी प्रथम स्थान पर रही। मिर्जापुर की वर्तिका पटेल दूसरे स्थान पर रही। वाराणसी के सोनम पाल तीसरे स्थान पर रही। 800 मीटर बालक वर्ग में 17 वर्षीय प्रथम स्थान पर श्री कुमार निषाद वाराणसी के रहे। वहीं दूसरे स्थान पर वाराणसी के दीपक को मिला। तीसरे स्थान पर झांसी के दीपक कुमार रहे। इस अवसर पर संयोजक MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्रनाथ सिंह सहित अन्य अध्यापक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाराणसी मंडल की विजेता टीम के कोच मुरलीधर राय, शिक्षक संघ के विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी और प्रतियोगिता संचालक डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती, मैं अपने जिला विद्यालय शिक्षक फिलिप जी। उन्नीस वर्षीय बालिका पांच किमी क्रॉस कंट्री और प्रतिभा यादव, बच्चे
जोरदार ताली आ बजाते रहे, ताली आप बजाते रहे। ये भी क्रांति मंत्री विद्या भारती के क्रांति मंत्री और सेकेंड और थर्ड है और हमारे बालिका सेवन की मुरादाबाद द्वितीय स्थान मिल जाएगा। और इसके बाद बालिका 19 44 अंक प्राप्त कर पहला स्थान मिला है 19 बालिका। बरेली के बाद मेरठ की बालिकाएं तैयार रहेंगी। उन्हें 22 अंक प्राप्त करने के बाद तीसरा स्थान मिला है। अंक लेकर के दूसरा स्थान, प्रदेश सरकार के यशस्वी कृषि माना जाता है और सचमुच जिनमें एक आदर्श राजनेता की दो दिन पहले मैं विस्मृत कर गया था, मुझे कम हो सकता है लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा। परम आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, अभिनंदन हम सब आज मुख्य भेंट कर रहे हैं आदरणीय जॉइंट डायरेक्टर साहब, इन्होंने प्रदेशी रैली को मैं जाऊंगा मुख्य कुशीनगर जनपद की ओर से वहां के जिला विद्यालय अधीक्षक। ये समय कम है, आइए जल्दी आइए आप लोग जी। मेरे पास केवल 10 मिनट है क्योंकि फ्लाइट है माननीय मंत्री जी का, अध्यक्ष जी हम लोग के अपने हैं, सम्मान होना है। पीएन सिंह साहब अपने तीनों प्रबंधकों का, मुखर्जी जी 5 दिनों तक इन्होंने इन्होंने आयोजन में, इसके बाद आमंत्रित साई जी का पुराना नाता है, उस क्षेत्र के विकास करा रहे आदरणीय सरदार सुखदेव सिंह मजीठिया सर को सम्मानित करते कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही। यह बहुत प्रसन्नता की बात रही है कि राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता इस गोरखपुर क्रीड़ांगन में आयोजित की गई और आप सब ने 4 दिनों तक अपने खेल का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। भैया मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके प्रदर्शन को नहीं देख पा रहा हूं। मैं चाहता था कि 1-1.5 घंटे जरूर आपके प्रदर्शन को देखता लेकिन विलंब से आने के नाते वो संभव नहीं हो सका और आपको भी घर जाने की जल्दी है इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व को स्थापित किए जाने की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है कि सिर्फ हमको शिक्षित ही नहीं एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व के रूप में हमको अपने व्यक्तित्व को निखारना है और उसके भीतर खेल कूद संगीत कला ये सब कुछ उसके एक हिस्से हैं। समाज की सेवा समाज भागता वह भी उसका एक दूसरा हिस्सा है। हमारे भीतर कौशल विकास स्थापित हो इसके लिए भी निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी क्षमता को बढ़ाया जाना है। तो पढ़ लिख करके बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो क्लर्क और चपरासी के खोज रहे हैं लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने देश और दुनिया के भीतर भारत के मान को स्थापित किया है और दुनिया के भीतर तिरंगा झंडा लगाने का काम किया है। हमारे देश ने ओलंपिक के भीतर टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने 7 जो है वो गोल्ड मेडल जीत करके लाए। ओलंपिक के खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीता और अभी जब एशियन गेम्स हुए हैं तो एशियन गेम्स के भीतर भी उनके दृष्टि से जो प्रयास किए हैं 18 जिलों में जो हमारे 44 छात्रावास हैं आज बिल्कुल मेरिट और ट्रांसपेरेंट आधार पर वहाँ पर उनकी बच्चों की भर्तियाँ हो रही हैं।
खेलों के भीतर जो भेदभाव पक्षपात था उसको समाप्त किया गया है। मुरलीधर राय बनारस मंडल से। जब टीम विजेता हुई है क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे खुशी के दिन है। लग रहा है कि नहीं, अब एक बीता हम लोग ऊपर चल रहे हैं जमीन से, सभी बच्चे बच्चियाँ। कौन कौन से खेल में आप? गोला, हैम्बर, डिस्कस, सभी दौड़, सभी सभी कूद और सभी थ्रो में हमारे बच्चे प्रथम द्वितीय स्थान रहे। तैयारी की ही देन है कि हर बच्चे हाल में चैंपियन रहे, बालक बालिका और ऑल ओवर हम लोग चैंपियन है बनारस मंडल। इस बांध की प्रतियोगिता में किस तरह यहाँ पे सब लोग बांध की प्रतियोगिता में किस तरह खेल दिया आपने? क्या परेशानी थी? कोई परेशानी कोई नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब व्यवस्था स्टेट लेवल से ऊंचा रहा है, खाने पीने रहने सब व्यवस्था यहाँ ठीक थी, कहीं से कोई हम लोग को परेशानी महसूस नहीं हुई। खुशी तो बहुत हुई, अब मुँह से नहीं कर सकते इसका बयान, दिल से बहुत ज़्यादा। इधर पूरे प्रदेश के जो एथलीट हैं, जो हमारे वास्तव में उत्तर प्रदेश की प्रतिभा जो है, वह यहाँ अपना 5 दिनों तक अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जो लोग विजयी हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जो किन्हीं कारण से पीछे हो गए, उन्हें मेरा विश्वास है कि वह आगे जो है सफल होंगे। और ढेर सारी आयोजकगण को बधाई, हमारे गेम टीचर जितने हैं, जितने ट्रेनर हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोगों ने एक दिल खोल करके यह आयोजन कराया है और सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। के माध्यम से युवा में क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जानते हैं, आप स्वयं मीडिया के एक अंग हैं, प्रिंट ये आपके ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में यदि प्रतिभा किसी का निखारना है तो वहाँ माध्यमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है अच्छे प्रशिक्षण, उनके अच्छे ट्रेनिंग दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए, संसाधन दिए जाए, तो निश्चित रूप से यह जो हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारा जो देश है, वह विश्व में एथलीट में सबसे आगे रहेगा, मेरा पूरा विश्वास है। 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही रहे और समापन समारोह की अध्यक्षता शिक्षक विधायक माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने किया। 11 दिसंबर से प्रारंभ होकर यह प्रदेशीय रैली आज 15 तारीख को अपराह्न समाप्त हुआ। इसमें बहुत से कीर्तिमान बने। इस आयोजन को संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल गोरखपुर, जो संयोजक रैली रहे, उन्होंने अभूतपूर्व बनाया। उन्होंने जो व्यवस्था दी, जो संसाधन दिए, वो अपने आप में पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। सुव्यवस्था का, सुअनुशासन का, विद्यार्थियों की, खिलाड़ियों की चिंता का और एक सुंदर आयोजन का आप देख रहे हैं। ऐसा भव्य मंच माननीय मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद लेकर यह आयोजन शुरू किया गया था। और आप यह सोचिए कि प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार बच्चों ने दोपहर का भोजन यहाँ ग्रहण किया। नियमतः हमें भोजन के लिए हम बाध्य नहीं हैं, लेकिन ये प्रेम और एक सद्भाव और दिल की उदारता संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय की रही कि बच्चे जो आ रहे हैं, हो सकता है कि नहीं टीम के साथ कठिनाई हो, यहाँ उन्होंने भोजन के ओपन कर दिया था प्रतिदिन एक दोपहर को और शानदार उन्होंने भोजन कराया सभी को। शानदार आयोजन हुआ, प्रदेश के करीब 130-135 इवेंट्स हुए और ऐसा शानदार आयोजन अपने आप में चर्चा का विषय है। आप मीडिया बंधुओं ने जो सहयोग किया है उसके प्रति वरिष्ठ संचालन समिति के सदस्य होने के नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं। शारीरिक शिक्षकों के प्रति, आए हुए खिलाड़ियों के प्रति, अतिथियों के प्रति मैं विनम्रता पूर्वक और ये कहना चाहूँगा
कि आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने जो रिकॉर्ड बनाया है एक अच्छे आयोजन का, वह निश्चित रूप से सराहनीय है, स्तुत्य है, और उन्हें मैं भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो साथे सूत्रों राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह व सतनाम सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रस्तावित मास्टर प्लान में 1,843 एकड़ में लगेंगे उद्योग, आवासीय, व्यवसायिक व अन्य सुविधाओं का भी है प्रावधान। इंडस्ट्रियल टाउनशिप को रोड के साथ रेल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने पर होगा खास ध्यान। हत्या लूट के चार शातिर अभियुक्तों हरीश, राजन तिवारी, सुभाष प्रजापति व जयंती देवी के ऊपर गगहा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड। 15 आवेदन पत्र हुए हैं प्राप्त। ऑनलाइन कार्ड भी बनकर हो चुका है साइट पर अपलोड। कार्ड बनने से शासन की योजनाओं का ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा लाभ। निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी 3 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष 2.5 लाख, मेयर के प्रत्याशी अधिकतम राशि 40 लाख तक ही कर सकेंगे खर्च। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। खिचड़ी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 खिचड़ी मेला स्पेशल बस को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कहा यह बस गुरुवार से 20 फरवरी तक श्रद्धालुओं को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचाएगी मंदिर और ले जाएगी मंदिर से उनके गंतव्य तक। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले व भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए सपा कार्यकर्ता है कृत संकल्पित। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों में वायरलेस सेट का किया वितरण। कहा वायरलेस सेट के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को आपसी संवाद बनाने में होगी आसानी। मेला को सकुशल करवाया जाएगा संपन्न। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बनाया जाएगा गरिमा गृह, दिया जाएगा व्यवसायिक प्रशिक्षण। ट्रांसजेंडर भी बनेंगे आत्मनिर्भर। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी। छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। संग्रहालय के उप निदेशक ने दी सरदार पटेल के जीवन की सभी जानकारियां। ठंड की दस्तक के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को रात गुजारने के लिए नगर निगम के सभी 13 रैन बसेरा की व्यवस्था हुई दुरुस्त। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा रैन बसेरों में ठहरने वालों से नहीं लिया जाता है कोई चार्ज। और 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। बनारस मंडल बना ओवरऑल चैंपियन। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के शाहरुख खान बने ओवरऑल व्यक्तिगत चैंपियन। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी के प्रति व्यक्त किया आभार। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।